तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीयूसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आप फैमिली आईडी में इनकम कम वेरीफाई करवा लेते हैं तो क्या आपका बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनेगा? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी कि इनकम कम वेरीफाई होने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनेगा या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास आपकी कमेंट आई कि सर हमारी जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम पहले 2.5 से 5 लाख वेरीफाई थी, लेकिन अब हमने इनकम को रीवेरीफाई करवा लिया है और जो अब हमारी इनकम है वो 75 से 1 लाख या 50 से 75 हज़ार, 1,40,000 से 1,80,000, इतनी आपकी इनकम कितनी भी वेरीफाई हुई हो, 1,80 से कम वेरीफाई हो चुकी है, क्या अब अपने आप हमारा राशन कार्ड बन जाएगा या अब हमारा राशन कार्ड बनेगा या नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। दोस्तों एक फैमिली आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें जो इनकम वेरीफाई है वो 2.5 से 5 लाख वेरीफाई है, लेकिन आपने इनकम ग्रीवेंस पर क्लिक करके अपनी ग्रीवेंस डाल दी और आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम है वो कम हो गई। अब जो आपकी फैमिली आईडी की इनकम है वो या तो 75 से 1 लाख वेरीफाई है या 1,80,000 तक वेरीफाई है, यानी 1,80,000 तक या उससे कम आपकी इनकम अब वेरीफाई हो चुकी है। दोस्तों अगर आपकी इनकम कम वेरीफाई हो गई है तो आपको अब निश्चिंत नहीं रहना है कि जो आपका राशन कार्ड है वो बनकर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक अकेली इनकम नहीं है जिसके माध्यम से आपका राशन कार्ड बनता है, एक और चीज आपको देखनी होती है जो आपकी इनकम से जुड़ी हुई ही है, इनकम उसी के माध्यम से भी सरकार आपकी उठा रही है, वो क्या है, आपका एक्सक्लूजन रीजन। चलिए वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूजन, इनकम भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इनकम कितनी वेरीफाई है पूरे परिवार की, 75 से 1 ही लाख वेरीफाई है, 3 ही मेंबर हैं, ये 2 मेंबर की जो इनकम है वो तो दोस्तों कम ही है, 0-0 इनकम है, लेकिन दोस्तों ये जो मेंबर है इसकी जो इनकम है वो 75 से 1 लाख वेरीफाई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल का एक्सक्लूजन जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बिजली का बिल, ITR, फार्मर या फिर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय कोई भी रीजन दिखा रहा है, तो दोस्तों चाहे आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 तक भी वेरीफाई अगर है तो भी आपका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों अकेली इनकम ही ये तय नहीं करती है कि आपका राशन कार्ड बनेगा या नहीं। दोस्तों इनकम अगर आपके सामने एक्सक्लूजन रीजन जुड़ा हुआ है तो दोस्तों उसकी जो इनकम है वो 1,80,000 से ऊपर ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए चाहे वो अब वेरीफाई दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, क्योंकि दोस्तों ये जो एक्सक्लूजन रीजन आप देख रहे हैं इस एक्सक्लूजन रीजन का मतलब यही है कि आप योजनाओं से बाहर कर दिए गए हैं, और रीजन क्या है कि आपका 9,000 से ऊपर आपने बिजली का बिल भरा है और सरकार ने ऑटोमेटिक ये समझ लिया है, डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिक ये समझ लिया है कि जो आपकी इनकम है वो 1,80,000 से ऊपर है, और इसीलिए ये जो आपका रीजन है इसके अंदर ऐड कर दिया गया है और इस रीजन के माध्यम से ही अब आपकी इनकम समझी जा रही है 1,80,000 से ऊपर। दोस्तों आपकी अगर इनकम कम वेरीफाई हो गई है लेकिन दोस्तों ये रीजन हटेगा तो ही आपका बीपीएल और आयुष्मान कार्ड बनेगा। रीजन कैसे हटाना है, ग्रीवेंस पर आपको क्लिक करके आप रीजन हटा सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, फार्मर वाला हो, ITR वाला हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, कोई भी समस्या हो उनसे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आपकी फैमिली आईडी में इनकम भी कम वेरीफाई होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी एक्सक्लूजन रीजन नहीं होना चाहिए, यानी आपकी इनकम ज़्यादा थी और यहाँ पर अब कम वेरीफाई हो गई है और आपके सामने कोई भी एक्सक्लूजन रीजन नहीं है तो जो आपका राशन कार्ड है वो अब बन जाएगा, आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों इनकम कम होने के बावजूद भी आपका एक्सक्लूजन रीजन आपके नाम या किसी और मेंबर के सामने नहीं होना चाहिए, अगर एक्सक्लूजन रीजन अभी भी है तो भी आपका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों इनकम अकेली ये तय नहीं करती कि आपका राशन कार्ड बनेगा या नहीं, एक्सक्लूजन रीजन भी तय करता है
क्योंकि इसी के कारण आपको योजनाओं से बाहर किया गया है। और दोस्तों इसकी भी इनकम जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है और वो इनकम 180 से ऊपर ही मानी जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आपने इनकम भी कम करवा ली है तो आप अपना एक्सक्लूजन रीजन भी हटवा लीजिए, इसकी भी आप ग्रीवेंस डाल दीजिए। और दोस्तों अगर आपके सामने इनकम भी कम है और एक्सक्लूजन रीजन भी नहीं है तो फिर आपका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जल्दी अपना काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ग्रीवेंस डाल दीजिए। ग्रीवेंस कैसे डालनी है उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे जो लास्ट वाली वीडियो मिलेगी वो उसी के लिए मिलेगी कि आप पत्र होते हुए भी अपना अगर आपका राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो आप उसकी एक शिकायत डाल दीजिए ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।